अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अती हाशमी और आप देख रहे हैं ये तालीम चैनल जहां हम सीख रहे हैं मैथ्स और साइंस। अगर अब तक आपने इसी तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो हम सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी मुरब्बई मसावादी, जहां पर आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, यानी कि मुरब्बई मसावातों को किस तरह से जाब्ते के तरीके से हल किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जाब्ता कहां से आता है, यानी हाउ टू डिराइव फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। इससे पहले जो एक्सरसाइज में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरह से हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लेते हैं और उसके रूट फाइंड करते हैं, यानी जजर मालूम करते हैं। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब हमने जो पिछले एक्सरसाइज में जो स्टेप फॉलो किए थे उसी तरह से स्टेप फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या थी, जो कांस्टेंट नंबर है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कांस्टेंट नंबर को उधर भेजना है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये सी उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। उसकी जो अगली स्टेप देखी थी हमने तो वो क्या था, ये एक्स स्क्वायर के जरिए में कोएफिशिएंट में कोई भी नंबर होगा उसको एक बनाना है। अब यहां पर देखिए ए है तो आपको क्या करना है, वहां पर कुछ भी नहीं रखना है, मतलब एक बनाना है। तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को ए से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, मसावात को ए से तकसीम करने पर डिवाइड इक्वेशन बाय ए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब देखिए ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहां पर, यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल नहीं होता इसलिए एज इट इज बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल नहीं होता इसलिए माइनस सी अपॉन ए। इस तरह से हमारी स्टेप्स थी। अब क्या करते हैं हम, अब जो x का जरीब है उसको साइड में निकाले थे हमने, उसके बाद उसका हाफ करके आधा करे थे। अब देखिए x का जरीब क्या है, यहां पर b बटे a, इसको साइड में लीजिए, ये हो जाएगा b बटे a, इसको हाफ करना है मतलब इसको एक बटे दो से जर्ब करना है। अब देखिए b को एक से जर्ब कीजिए, b वन सा ये b हो जाएगा, अपॉन a को टू से मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए। जो भी नंबर आएगा उसको क्या करना है, स्क्वायर लेना है, मुरब्बा लेना है, और लेने के बाद ये नंबर जो मिलेगा उसको इस इक्वेशन के अंदर दोनों जाने ऐड करना है। तो यहां पर ऐड करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एज इट इज, इसको लिखिए बी अपॉन ए एक्स, इसको ऐड करना है प्लस, ये क्या हो जाएगा बी अपॉन टू ए ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखिए माइनस सी अपॉन ए प्लस, ये ऐड करेंगे दोबारा पी बी अपॉन टू ए ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन चुका है, यानी कामिल मुरब्बा बन चुका है। किसका बना है, तो हमने इसको मालूम करने के लिए हमने क्या देखे थे, बहुत सिंपल था, ये जो वेरिएबल है एक्स इसको एसेटिस लिखना है, यहाँ का जो सिंबल है ना रामा उसको एसेटिस यहाँ पे लिखना है, तो जमा है तो यहाँ जमा लिखती है, और ये जो नंबर है उसको लिख लीजिए बी अपॉन टू ए और इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर कीजिए मसावी। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए प्लस, अब देखिए बी का स्क्वायर क्या होता है, ये बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और ये टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए जो फ्रैक्शन है कसर है इनकी जमा करना है हमको, तो क्या करेंगे, नीचे के डिनोमिनेटर अलग अलग है इसलिए तिरछा जरूर करेंगे, तो देखो क्या होता है, सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा एज इट इज एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, ये हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए यहां पर इसको एक बार यहां पर दोबारा से लिखते हैं, ये माइनस सी हो जाएगा ये अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, तीसरा जब करते हैं तो यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, ये हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस सी को फोर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर ए स्क्वायर इंटू सी, ये बीच में प्लस है तो जमा लिख देंगे, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन, और ये नीचे का नीचे जब करने पर ये हो जाएगा फोर ए क्यूब। अब देखिए यहां पर इस तरह से हम ए स्क्वायर और यहां पर इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा नंबर है, तो क्या करना है, सिंपल यहां पर देखना है कॉमन कोई निकलता है क्या, मुश्तरक निकलता है तो निकालना है, तो निकलता है यहां पर ये देखेंगे एक्स जमा बी बटे दो ए कॉस की दूसरी मसावी। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर है और यहां पर सिर्फ ए है, जो छोटा होता है वही मुश्तरक निकलता है, तो क्या मुश्तरक निकलेगा, ए मुश्तरक निकलेगा, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा मनफी चार, ए स्क्वायर में से निकला तो यहां सिर्फ ए बचा, ये सी, उसके बाद जमा ये यहां से ए चला गया तो सिर्फ बी स्क्वायर बचा, उसके बाद बटे ये हो गया फोर ए क्यूब, यहां से ये ए और ये क्यूब में से एक ए हट जाएगा तो अब क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स जमा बी बटे दो ए
कॉस की दूसरी मसाली, ये बच गया मनफी चार ए सी जमा बी की दूसरी बटे ये चार ए हो गया। अब क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे मुरब्बा लेते हैं, हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, स्क्वायर हट जाएगा इज इक्वल टू। अब इस पूरे नंबर को क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, जजर में लिखेंगे। देखिए यहां पर ए और सी का जजर मुरब्बा नहीं है, और यहां पर आप देख सकते हो बी का निकाल सकते, चार का निकाल सकते, लेकिन ए सी का नहीं निकाल सकते, इसलिए हम पूरे अदद को क्या करेंगे स्क्वायर रूट में लिखेंगे, जजर में लिखेंगे। अब देखिए यहां पर पहले हम बी लिखते हैं, उसके बाद मनफी चालीस लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा जजर में बी की दूसरी मनफी चार ए सी बटे, अब देखिए चार का स्क्वायर रूट निकलता है वो दो है, और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर स्क्वायर है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक निकाले थे, तो ये ए हो जाएगा। अब देखिए हमने ये देखा है कि जब भी हम जज़्र मुरब्बा निकालते हैं तो जमा हो गया तो फिर मनफी होगा, सिंपल है। इस बी अपॉन टू ए को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा एक्स मसा बी, ये बी अपॉन टू ए का जाकर मनफी बी अपॉन टू ए हो जाएगा, और ये जमा मनफी जज़्र में बी की दूसरी मनफी चार ए सी बटे ये दो ए हो जाएगा। हो गया सिंपल है, दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे, इसको कॉमन लेंगे ऊपर का हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स मसा बी, ये मनफी जमा मनफी जज़्र में बी की दूसरी मनफी चार ए सी बटे ये हो जाएगा दो ए। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है, इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ये आया है। लेकिन अब जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इस फॉर्मूले के जरिए, तो हमको क्या करना होता है, इसके दो जजर लेने होते हैं, इसको हम अलग अलग करते हैं, तो एक जमा का हो जाएगा और एक मनफी का हो जाएगा। इतना सिंपल था ये डिराइव फॉर्मूला, कुछ इस तरह से हुआ है। लेकिन आप डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको इतना सारा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये एग्जाम में भी नहीं पूछा जाने वाला है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ये फॉर्मूला आया कहां से। बस इसको आपको याद रखना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है, x मसावी मनफी b जमा मनफी जजर में b की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a, और जब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो एक बार जमा का होगा और एक बार मनफी का होगा। इतना ये सिंपल है, इस तरह से फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाएं। तो चलिए मिसाल के जरिए हम इसको सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले आपको एक बार फॉर्मूला हम रिपीट करते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x मसावी है मनफी b जमा मनफी जजर में b की दूसरी मनफी चार ए सी बटे दो ए। इस फॉर्मूले को आपको जहन में रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक मिसाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, हम लेंगे यहां पे एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुरब्बा मसावी है। इसे हल करने के स्टेप समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको स्टेप है कि आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो मुरब्बा मसावा है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, यानी कि मियारी सूरत में है या नहीं। आप देख सकते हो ये मियारी सूरत में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। हम यहां पर कंपेयर करते हैं, मसावात को ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से मवाजना करने पर, अभी हमने एम क्यू लिया क्योंकि सवाल के अंदर जो वेरिएबल है मुतगयर है वो एम है, इसलिए हमने यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में एम लिया है। अगर एक्स होता तो यहां पर हम एक्स लेते। कंपेयर इक्वेशन विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। चलो कंपेयर करते हैं, क्यों कंपेयर करना है, जिसकी वजह से हमको ए बी और सी की वैल्यू मालूम होने वाली है। अब देखिए एम स्क्वायर के जरिए जो नंबर है वो ए है, एम के जरिए जो है वो बी है, और कांस्टेंट सी है। तो चलो देखते हैं एम स्क्वायर में कौन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं एम के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। उसके बाद बी मसावी क्या होगा, एम के साथ कौन जरिए में है, तो यहां पर आप देख सकते हो मनफी तीन है, और कांस्टेंट नंबर कौन सा है, तो यहां पर मनफी दस है। ये मालूम होने के बाद आपको क्या करना है, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू मालूम करना है, ताकि हम फॉर्मूले में पुट करके आसानी से हल मालूम कर सकते हो। तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, देखिए बी बी मतलब क्या है हमारे पास, माइनस थ्री है, उसका स्क्वायर कीजिए, उसके बाद माइनस, उसके बाद फोर जर, ए हमारे पास क्या है एक है, और सी क्या है मनफी दस है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए मनफी का स्क्वायर करना है, मनफी का स्क्वायर कीजिए या मुस्बत का स्क्वायर कीजिए, जवाब मुस्बत में ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस नाइन, ये हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, फोर वन जा फोर और फोर टेन जा फोर्टी, तो ये हो जाएगा फोर्टी इज इक्वल टू फोर्टी प्लस नाइन, ये हो जाएगा फोर्टी नाइन। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू क्या आ गई, फोर्टी नाइन आ गई, उनचास आ गई। अब क्या करते हैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारे पास है एक्स मसावी है मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी चार ए सी बटे दो ए। तो
तो आप रखते हैं वैल्यूज को एक्स मसा ली मनफी की, यानी कि आपके पास बी की वैल्यू कितना है। देखो मनफी फॉर्मूले में तो मनफी हम लिख देंगे, उसके बाद बी की जो वैल्यू है वो माइनस थ्री है, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस थ्री। यहाँ गलती नहीं करना, बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं। यहाँ मनफी तीन, आप डायरेक्टली यहाँ मनफी तीन लिखते हो। याद रखिये ये मनफी इस फॉर्मूले का मनफी है और ये मनफी तीन ये बी की वैल्यू है, इसलिए हम इस तरह से कॉस में लिखे। उसके बाद जमा मनफी, अब देखिए यहाँ पर कॉस में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 49 है, इसको यहाँ पर डायरेक्ट एज इट इज लिख देंगे 49 अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू एक ही यहाँ पर एक ही लिखेंगे। अब आप एक बात और कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाल के जो वैल्यू मालूम की है, आप डायरेक्टली भी फॉर्मूले में वैल्यू रख के यहाँ पर डायरेक्ट हल कर सकते हो। ऐसे इस तरह से नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फर्दर सॉल्व करते हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 3 प्लस माइनस। अब देखिए 49 का स्क्वायर रूट होता है, जो मुरब्बा होता है किसका होता है, वो 7 का होता है, 7 बटे 2 एक 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जमा का एक नंबर है, मनफी का नंबर है, इसको अलग करते हैं, एक हो जाएगा एक्स मसावी 3 जमा 7 बटे 2 या एक्स मसावी 3 मनफी 7 बटे 2। एक्स मसावी 7 में 3 मिलाइए तो हो जाएगा 10 बटे 2 या एक्स मसावी, अब 7 में से 3 माइनस कीजिए तो हो जाएगा 4 बटे 2। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, 2 एक 2 2 5 10, क्या आ गया एक्स मसावी 5 आ गया या एक्स मसावी 2 1 0 2 2 4 ये आ गया 2। इस तरह से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मालूम होते हैं। इतनी आसान एक्सरसाइज है, इतनी आसान इसके क्वेश्चंस है, तो होप आप ये तरीका समझ गए होंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है। तो चलिए अब चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं हमारी प्रैक्टिस से नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। मस्तिष्क से 2.4 के जो पहला सवाल है, उस पहले सवाल के अंदर 3 क्वेश्चन आपको गिवन है, जिसमें आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन के लिए इनको जनरल फॉर्म में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, म्यारी सूरत में लिखना है, और उसके बाद इनकी एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एबीसी मालूम करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने तीनों एक साथ यहां पर लिख लिया। क्या करना है देखिए समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+5=0, तो आप सिंपली देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस मसावात को ax2+bx+c=0 से मवाजना करने पर कंपेयर इक्वेशन विथ ax2+bx+c=0। जहां पर आपको क्या मालूम होने वाला है, जहां पर आपको a b c यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। देखिए क्या होगा, a मसावी, अब इस इक्वेशन को इससे मवाजना कीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर में जो नंबर होगा वो a की वैल्यू होगी। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, इसलिए यहां 1 आएगा। उसके बाद b, b की वैल्यू कैसे मालूम होगी, x के जो जरीब में है कोएफिशिएंट में वो b है, तो यानी कि x के कोएफिशिएंट में क्या है, ये -7 है। और उसके बाद सी, सी कहां है, कॉन्स्टेंट मुस्तकिल कितना है, 5 है। इस तरह से सिंपल ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है, पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखिए, पहले इसको ये देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, म्यारी सूरत में है या नहीं है। आप देख सकते हो म्यारी सूरत में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, म्यारी सूरत बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, दोनों को इधर लेकर आना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2m2, ये कराकर -5m हो जाएगा, और ये -5 कराकर जमा के 5 मसा भी सीफर हो जाएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हो तो इसको क्या करना है, मवाजना करना है मसावाद को। अब देखिए यहां पर n वेरिएबल है, तो हम किससे मवाजना करेंगे, am2 जमा bm जमा सी मसा भी सीफर से मवाजना करने पर, ताकि हमको एबीसी की वैल्यू मालूम हो जाए। कंपेयर इक्वेशन विथ am2+bm+c=0। तो बताइए अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हम यहां देखकर बताएंगे, तो यहां पर कितना है, 2 है। उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, तो m के साथ क्या है, तो -5 है। और उसके बाद c की वैल्यू आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट यहां पर 5। इस तरह से दूसरा पहले क्वेश्चन का दूसरा भी खत्म होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसे म्यारी सूरत में तहवील करना होगा। तो क्या करेंगे, 7y को इधर लेकर आएंगे, तो ये y² इधर आकर -7y हो जाएगा -0। क्या अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, नहीं हुआ है, क्यों, तो यहां पर हमारे पास मुस्तकिल अदद है क्या, नहीं है, यानी कौन सा नंबर नहीं है, जहां नहीं होता है हम क्या लेते हैं, वहां पर सिफर लेते हैं। तो ले लीजिए यहां पर हम y² -7y
प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। कुछ फर्क पड़ेगा इसके अंदर जीरो मिलाने पर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, मसावात को ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी मसावी सिफर से मवाजना करने पर, कंपेयर इक्वेशन विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं वाई क्यों लिया, क्योंकि इक्वेशन के अंदर वाई वेरिएबल, वाई मतलब भैया गिवन है। अब देखते हैं ए की वैल्यू, ए मसावी वाई स्क्वायर के जरिए में कौन है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। यहाँ बी, बी कैसे मालूमगा, वाई के जरिए में माइनस सेवन है, और सी यहाँ पर सी कॉन्स्टेंट क्या है, सी पर। इतना सिंपल पहला क्वेश्चन था जहां पर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उनकी जो ए बी सी की वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी थी। इस तरह से अगर कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो उसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उनकी वैल्यू कुछ इस तरह से आपको मालूम करनी होगी। तो इतना आसान क्वेश्चन था, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कुछ इस तरह से गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की दूसरी जमा छह एक्स जमा पांच मसावी सिफर। इसे क्या करना है, जाब्ते की तरीके से इस मुरब्बे मसावात को हल करना है फॉर्मूला मेथड के जरिए। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, वो सबसे पहले आपको देखना है। तो आप देखिए यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तब आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं मसावात को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मवाजना करने पर, कंपेयर इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिससे हमको ए और बी सी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो ए हम देख सकते हैं ए मसाल यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। बी की वैल्यू यहां पर एक्स के साथ क्या है, तो जमा छह है, और सी की वैल्यू यहां पर कॉन्स्टेंट नंबर फाइव। अब क्या करेंगे हम वैल्यू मालूम करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, देखिए बी स्क्वायर तो हमारे पास छह है, छह की दूसरी मनफी चार, जर ए की वैल्यू क्या है, एक है, और सी की वैल्यू पांच है। तो क्या हो जाएगा, छह का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा छत्तीस, मनफी चार एक चार, चार पंजे ये हो जाएगा बीस। तो इस तरह से 36 में से आपको 20 माइनस करना है, ये हो गया 16। इसका मतलब b की दूसरी मनफी चार ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई 16। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x मसावी मनफी b जमा मनफी जजर में b की दूसरी मनफी चार ए सी बटे दो ए। इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज है हमारे पास ए बी सी और ये बी की दूसरी मनफी चार ए सी की, इसको रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आप रखते हैं एक्स मसावी, अब देखिए b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है छे, यहां पर फॉर्मूले में मनफी पहले है, उसके बाद यहां पर छे जमा मनफी जजर में यहां पर कितना है हमारे पास, b की दूसरी मनफी चार एसी की वैल्यू कितनी है, 16 है, 16, इसको जजर में 16 लिखेंगे बटे दो। a की वैल्यू कितनी है, एक है, उससे दो जर एक। अब फर्दर सॉल्व करते हैं एक्स मसावी, ये हो गया मनफी छे जमा मनफी। अब देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या है, जज्म रफा क्या है, तो चार है हमको पता है, हम बाहर निकाल लेंगे उसको, ये दो एक ये दो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार जमा का और एक बार मनफी का, इसको अलग अलग कर लेंगे, एक्स मसावी मनफी छ जमा चार बटे दो, या एक्स मसावी है मनफी छ मनफी चार बटे दो। सॉल्व कीजिए इसे, एक्स मसावी देखिए छह में से आपको चार माइनस करना है, क्योंकि मनफी जमा क्या होता है, मनफी होता है, छह में से चार गए तो दो होगा, लेकिन मनफी के दो होगा क्योंकि बड़े अदद को मनफी के अलावा माना, दो बटे दो हो जाएगा, या यहां पर लिखेंगे एक्स मसाई मनफी मनफी जमा पर, लेकिन मनफी में जवाब आता है मनफी दस बटे दो, दो एक दो, दो एक दो, ये आ गया एक्स मसावी मनफी ए, या एक्स मसावी दो एक दो, दो पंजे दस, ये आ गया मनफी पांच। इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इतना आसान है, आपको इस तरह से करना है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करना है। इस तरह से आप करोगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि इस तरह से गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स की दूसरी मनफी तीन एक्स मनफी दो मसावी सिफर। जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पहले देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, मैरी सूरत में है या नहीं। आप देख सकते हो ये मैरी सूरत में है, उसके बाद हमको क्या करना है, मसावात को मवाजना करना है, कंपेयर करना है। तो यहां लिखेंगे हम मसावात को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मसावी सिफर से मवाजना करने पर, कंपेयर इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब एक है। बी की कीमत कैसे मालूम करेंगे, इस एक्स के जरिए में जो भी नंबर है, तो आप देख सकते हैं मनफी तीन है, और सी की वैल्यू यहाँ देखिए आप, यहाँ मनफी दो है। उसके बाद आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि फॉर्मूले में हमारे जजर में दिया हुआ है। तो अब देखिए बी, बी क्या है यहाँ पर, मनफी तीन की दूसरी, मनफी चार, ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर एक है जर, और सी की वैल्यू यहाँ पर मनफी दो है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो मनफी तीन का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, वो जमा के नौ हो जाएगा, ये मनफी मनफी हो जाएगा जमा, ये हो जाएगा चार का चार, और चार दूनी ये हो जाएगा आठ। उसके बाद नौ और आठ कितना होता है, ये होता है सत्रह, यानी कि आपका जवाब कितना है, सेवनटीन आ गया है। अब इसको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, हम यहाँ लिख सकते बी की दूसरी मनफी चार ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो सत्रह है। अब देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स मसावी, फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी चार ए सी बटे दो ए। फॉर्मूला लिखने के बाद ये वैल्यूज को इसके अंदर रखना है, इसको सॉल्व करना है, तो वैल्यूज को रखते हैं हम यहाँ पर एक्स मसावी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी है, अब बी की वैल्यू कितनी, मनफी तीन है, लेकिन जाब्ते में पहले मनफी गिवन है तो पहले मनफी लिख देंगे। अब बी की वैल्यू यहाँ मनफी तीन है तो आप हाउस में लिखेंगे मनफी तीन, इसको नहीं भूलना है। उसके बाद जमा मनफी एज इट इज, जमा मनफी जजर में, अब देखिए वैल्यू कितनी आने वाली है, सत्रह, यानी कि सत्रह डिवाइडेड बाय दो जर, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एक। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स मसाल मनफी मनफी क्या हो जाएगा, जमा, इसलिए यहाँ पे तीन आ जाएगा, जमा मनफी। अब देखिए जजर में सत्रह, सत्रह किसी का स्क्वायर रूट है क्या, नहीं है, इसको एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, जजर में सत्रह बटे दो ए का, ये हो जाएगा दो। अब देखिए एक बार जमा का और एक बार मनफी का, इसको अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स मसावी तीन जमा जजर में सत्रह बटे दो, या एक्स मसावी तीन मनफी जजर में सत्रह बटे दो। ये आ गया आपका जवाब, हो गया, क्योंकि इसका इसका रूप नहीं निकलता, इसलिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या, नहीं करेंगे, इतना ही जवाब होता है, इतना ही इसका आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन कुछ इस तरह से गिवन है, थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, तीन एम की दूसरी जमा दो एम मनफी सात मसावी सिफर। ये भी आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं वो देखना है, नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए अभी न्यारी सूरत में है क्या, यस ये न्यारी सूरत में है, तो क्या करेंगे आप, मसावाद को मवाजना करेंगे, मसावाद को, अब देखिए वेरिएबल एम है, किससे मवाजना करेंगे, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से मवाजना करने पर, कंपेयर इक्वेशन विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से हमको क्या होगा, ए बी सी की कीमत मालूम होगी। तो देखिए कैसे आती है वैल्यू यहाँ पर, ए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ तीन है, उसके बाद बी, बी की वैल्यू यहाँ दो है, और सी की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हो माइनस सेवन है। ये मालूम होने के बाद आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू को पता करना है। अब देखिए बी स्क्वायर यानी कि दो की दूसरी, उसके बाद मनफी चार जर, क्योंकि यहाँ पर इसी के अंदर चार है, अब ए, ए की वैल्यू कितनी, यहाँ पर तीन है जर, सी की वैल्यू यहाँ मनफी सात है। अब देखिए दो का स्क्वायर ये हो जाएगा चार, ये मनफी और ये मनफी क्या हो जाएगा, जमा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा चार किया बारह, बारह सत्ते चौरासी, यह आ जाएगा एटी फोर। उसके बाद ये एटी फोर प्लस फोर कितना होता है, ये होगा एटी एट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो कीमत है, वैल्यू है, वो कितनी आ गई, 88 आ चुकी है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स मसावी मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी चार ए सी बटे दो। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज हमने अभी निकाली है उस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं। तो रखते हैं, चलो देखते हैं, ये होगा एक्स मसावी मनफी मनफी बी, अब बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर आप देख सकते हो दो है, तो ये मनफी दो जमा मनफी जजर में, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, वो है 88 डिवाइडेड बाय टू इंटू, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू अब यहाँ थ्री है, एक्स मसावी मनफी दो जमा मनफी। अब देखिए 88 88 का दशमलव रब्बा है क्या, स्क्वायर रूट है क्या, नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, देखना है कि इस 88 को इस तरह से दो चूज बना सकते हैं क्या, दो फैक्टर बना सकते हैं क्या, जिसमें से एक नंबर का हम स्क्वायर रूट ले सके दशमलव रब्बा और एक का ना ले सके। तो आप देख सकते हो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 22 चौक, यानी कि 22
22 फोर का कितना होता है 80 होता है, जिसमें से हम 4 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं वो 2 आ जाएगा। उसके बाद 22 का नहीं आता है, 22 को और 2 जो नहीं बना सकते जिसमें से किसी एक का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो जो फैक्टर मिले हैं वो कौन से 22 × 4 डिवाइड बाय 3 टू जा ये हो जाएगा 6। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, एक्स में साफ ये मंथली 2 हो जाएगा जमा मंथली। अब देखो 22 में से 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, यानी 4 का दस मुरब्बा हम निकाल सकते हैं, 4 का क्या है जो 2 है जजर में, ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये 2 को और ये 6 को कैंसिल करते हैं, लेकिन याद रखना कभी इस तरह से कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि ये पूरा एक नंबर होता है और नीचे बटे में जो है नंबर है, तो हम इस पूरे नंबर में से किसी एक नंबर को लेकर तकसीम नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर मनफी 2 है जमा मनफी 2 है, यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, मुश्तरक ले सकते हैं क्या, तो आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर एक्स मसावी यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मुश्तरक लेंगे, क्या मुश्तरक लेंगे, तो हम यहाँ से मुश्तरक लेंगे 2, तो जब ये 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 चला गया कुछ नहीं बचा, तो यहाँ मनफी 1 बचा, ये जमा मनफी एज इट इज, ये 2 चला गया कुछ नहीं, अब वहां कुछ भी नहीं रहा, यहाँ 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पे 22 लिखेंगे डिवाइड बाय 6। अब देखिए ये जर्ब में आ गया, अब मैं इसको तकसीम कर सकता हूँ, 2 × 2 = 6, तो अब क्या आ गया ये x मसावी मनफी 1 जमा मनफी जजर में 22 बटे 3, ये आपका जवाब है। अब इसको क्या करेंगे, एक बार जमा का एक बार मनफी का इसको अलग अलग करेंगे, तो ये आ जाएगा x मसावी मनफी 1 जमा जजर में 22 बटे 3, या x मसावी मनफी 1 मनफी जजर में 22 बटे 3। इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से गिवन है, 5m² - 4m - 2 = 0, यानी 5m की दूसरी मनफी 4m मनफी 2 मसावी 0, जो कि बहुत आसान है, आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है मैरिज सूरत में। तो क्या करना है आपको, सिंपल आपको मसावत को am² + bm + c = 0 से मवाजना करना है, कंपेयर करना है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा abc की वैल्यू मालूम हो जाएगी। देखिए m स्क्वायर के साथ क्या होता है, a होता है, तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ 5 निकलेंगे, b की वैल्यू यहाँ -4 है और c की वैल्यू यहाँ पर -2 है। अब क्या करेंगे हम b² - 4ac मालूम करेंगे, क्या करेंगे b, अब देखिए यहाँ पर -4 ब्रैकेट स्क्वायर, उसके बाद यहाँ माइनस दिया हुआ है 4, जर a की वैल्यू यहाँ पर 5 है और c की वैल्यू कितनी यहाँ पर -2 है। अब देखिए फर्दर सॉल्व करते हैं, मनफी 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 पॉजिटिव, उसके बाद ये मनफी मनफी जमा हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 20 दूनी ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 40 में आपको 16 जमा करना है, कितना हो जाता है 40 + 16 ये हो जाएगा 56। इस तरह से b² - 4ac का आपका यहाँ पर जवाब आता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स मसावी है मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac बटे 2a। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमने यहाँ ऊपर लिख के रखी है उस वैल्यू को पुट करना है, तो रखते हैं यहाँ पर एक्स मसावी मनफी बी, अब देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू मनफी में, इसलिए पहले फॉर्मूले का मनफी लिखते हैं, उसके बाद बी की वैल्यू लिखते हैं मनफी 4, उसके बाद जमा मनफी फॉर्मूले में ही है, उसके बाद जजर में बी की दूसरी मनफी 4ac की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 56 अपॉन, उसके बाद यहाँ पर 2 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू यहाँ पर 5। x मसावी मनफी मनफी क्या हो जाएगा जमा, तो यहाँ बच जाएगा 4, उसके बाद प्लस माइनस 56 का स्क्वायर रूट है या है क्या जज्ब मुरब्बा, नहीं है, तो हम क्या करेंगे जिस तरह से हमने 88 के दो जूस निकाले थे फैक्टर निकाले थे, सेम मुश्तर से 56 के हम क्या करेंगे दो फैक्टर ढूंढेंगे, तो आप देख सकते हो 56 जो है वो 14 के टेबल में आता है, 14 × 4 = 56 होता है, 14 × 4 का कितना होता है 56, जहां पर हम 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं लेकिन 14 का हम नहीं निकाल सकते, उसके बाद डिवाइड बाय 5 × 2 = 5 कितना होता है 10। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, एक्स प्लस आगे ये हो गया 4 जमा मनफी, अब देखिए जजर के अंदर से 4 को बाहर निकाल तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 जजर में 14 बटे 10। फिर से कह रहा हूं यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, 4 और 10 को यहाँ पे तकसीम करते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ कॉमन निकालना है, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, यहाँ पहले मुश्तरक निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, देखिए एक्स मसावी यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, अब सिंपल सी बात है 4 में 2 का टेबल नहीं आता लेकिन 2 के टेबल में 4 आता है, जो छोटा होता है उसी को कॉमन निकालते हैं, तो क्या कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा 4 में से 2 चला गया 2 × 2 = 4, यहाँ बचा कितना 2 बचे यहाँ पर जमा मनफी, अब देखो 2 में से 2 कॉमन चले गए हैं, यहाँ पे 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखते हम यहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे जजर में 14, यहाँ पर लिखेंगे बटे 10। अब देखिए 2 से 10 तकसीम होता है, तो अब तकसीम करेंगे 2 × 2 = 10, इसको लिखेंगे x मसावी
दो जमा मनफी जजर में 14 बटे 5। इस तरह से आपका ये आंसर है, लेकिन एक बार जमा का और एक बार मनफी का इसको हम अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स मसावी है 2 जमा जजर में 14 बटे 5, या एक्स मसावी है 2 मनफी जजर में 14 बटे 5। इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका आ चुका है। इतना आसान क्वेश्चन था, आपको करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y = 2, यानी वाई की फिर जमा 1/3y मसावी 2। इसको क्या करना है आपको, फॉर्मूले के तरीके से, जाब्ते के तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। क्या करना है, दो को इधर लेकर आना है, तो ये हो जाएगा वाई की दूसरी जमा 1/3y, ये दो इधर आकर मनफी 2 हो जाएगा मसावी सिफर। देखिए अब यहां पर इतना भी रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आसानी के लिए हम क्या करते हैं, ये बटे में जो 3 है उसको कैंसिल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो बटे में नंबर होता है उसको आपको कैंसिल करना है, तो क्या करना होता है, उस पूरी इक्वेशन को उसी बटे के नंबर से आपको क्या करना पड़ता है, जर्ब करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, मसावात को 3 से जर्ब करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3। तो क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3y² हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहां पर 1/3, मतलब 1/3 को 3 से जर्ब करने पर 3 हो जाएगा, यहां के 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। उसके बाद यहां पर आ जाएगा मनफी, 3 को 2 से जर्ब करने पर 3 × 2 = 6 मसावी सिफर। अब देखिए हमारे लिए आसान हो गया, अब ऐसा भी करो तब भी जवाब आएगा, लेकिन आसानी के लिए हमने क्या करें, इसको ये y का जो जरीब है उसको हमने सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मवादना करेंगे इससे मसावात को। देखो यहां पर y वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, ay² + by + c = 0 सिफर से मवाजना करने पर, इंग्लिश में लिखते हैं कंपेयर इक्वेशन विथ ay² + by + c = 0, जिससे हमको क्या मालूम होगा, a b c की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो देखिए a की वैल्यू क्या है, जो y स्क्वायर की जरीब है, कोएफिशिएंट है वो है, तो यहां पर कितना है 3 है। उसके बाद b की वैल्यू कितनी है यहां पर, कुछ नहीं मतलब 1 है, और c कितना है यहां पर -6। ये मालूम होने के बाद हम क्या मालूम करते हैं, b² - 4ac। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर -4, जब a कितना है हमारे पास 3 है, उसके बाद जब c कितना है -6 है, डिवाइड बाय उसके बाद सॉरी यहां पर सिर्फ इतना ही मालूम करना है आपको। अब देखिए a का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, ये मनफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। उसके बाद 4 × 12 = 72, ये हो जाएगा इस तरह से 1 में 72 मिला, ये हो जाएगा 73, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वो आ गई 73। अब ये जो वैल्यू है उसे हम फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला x मसावी मनफी b जमा मनफी जजर में b की दूसरी मनफी 4ac डिवाइड बाय 2a। अब यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए b क्या है हमारे पास, यहां पर b सिर्फ 1 है, तो यहां -a, क्योंकि फॉर्मूले में मनफी है, यहां जमा मनफी जजर में। अब b² ये कितना आ गया, 73 आ चुका है, यहां पर 73 लिखेंगे, 2 जर्ब a कितना है हमारे पास, a यहां पर 3 है, इस तरह से लिखेंगे। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये -1 जमा मनफी, देखो 73 स्क्वायर रूट है क्या, नहीं है, इसको दो फैक्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 73 प्राइम नंबर है, यानी कि मुफरद आदद। अब मुफरद आदद कौन सा आदद, जिसके दो फैक्टर निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते, वो सिर्फ खुद के पहाड़ों से और एक के पहाड़ों में ही आते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई दो फैक्टर निकलेंगे क्या, नहीं, इसको एज इट इज लिखेंगे हम 73 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6। हमारा आंसर हो चुका है, बस इसको अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे एक्स मसावी जमा का लिखेंगे और एक बार मनफी का, तो मनफी ए जमा जजर में 73/6, या एक्स मसावी है मनफी ए मनफी जजर में 73/6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 5 करना था, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ही, सेकंड का 5 खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, यानी 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से गिवन है, 5x² + 13x + 8 = 0, 5x की दूसरी जमा 13x + 8 मसावी सिफर। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैरिज सूरत में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, इस मसावात को ax की दूसरी जमा bx + c मसावी सिफर से मवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे हम ax² + bx + c = 0 से, जिसकी वजह हमको क्या होगा,
ए बी और सी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर, ये है 5, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 13 और सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू मालूम करते हैं, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 13 है, 13 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए कितना है ये 5 है और सी कितना है यहाँ पर हमारे पास ये 8 है। उसके बाद अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 169 माइनस 5 20 होता है और 20 अटे कितना होता है 160 होता है। अब देखिए यहाँ पर 169 में से 160 माइनस कीजिए तो कितना बचता है 9 बचता है, यानी आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4AC की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, वो 9 आई है। अब देखिए करना क्या है, आपको फॉर्मूला लिखना है एक्स मसावी है मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4AC बटे 2A। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही जरूरी है। अब देखिए इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज जो हमने निकाले हैं उसको हम रखते हैं, अब देखिए यहां रखेंगे एक्स मसावी b कितना है हमारे पास, b यहाँ पर 13 है, इसको यहाँ पर माइनस क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है ये 13 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना ये 9 है, इसको यहाँ 9 लिखेंगे डिवाइड बाय 2। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा एक्स मसावी ये मनफी 13 प्लस माइनस, देखो जजर में 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3 है, इसको बाहर निकालिए ये 3 हो जाएगा बटे 5 दोनी ये हो गया 10 हो गया। जब हमारा इसको अलग अलग कर लेंगे ये एक्स मसावी ये मनफी 13 जमा 3 बटे 10 या एक्स मसावी है मनफी 13 मनफी 3 बटे 10। उसके बाद एक्स मसावी देखो मनफी 13 और ये जमा मनफी जमा क्या होता है मनफी 13 में से 3 गए ये हो गया मनफी 10 बटे 10 ये 10 का 10 एक्स कितना आ गया एक्स आ गया मनफी 1 या यहाँ पे भी आया यहाँ पे भी आया। अब देखिए यहाँ पर एक्स मसावी ये मनफी मनफी जमा होता है 13 में 3 मिला ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मनफी 16 बटे 10 दो पंजे 10 दो अठे 16 तो कितना जवाब आ गया एक्स मसावी या गया मनफी 8 बटे 5। कुछ इस तरह से इसका आंसर है, यहाँ पर एक्स या तो मनफी 1 होगा या फिर मनफी 8 बटे 5 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 क्वेश्चन है वो हमारा खत्म होता है। तो इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन करते हैं जो कि इस तरह से आपके बुक में फ्लो चार्ट की फॉर्म में गिवन है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3=0, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4AC आपको पता करना है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद आपको वैल्यूज को पुट करना है सब्स्टिट्यूट करना है और उसके रूट आपको फाइंड आउट करना है, जजर मालूम करना है। कैसे करेंगे, चलो वही स्टेप्स है, कोई आपको नई चीज कुछ नहीं करना है, देखिए समझते करते। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3=0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे इसे सिंपल मवासना कर लेंगे मसावत को। देखिए यहां पर x वेरिएबल है तो यहां लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c=0 से मवासना करने पर, यानी कि आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c=0। तो चलो a क्या है, a मालूम करते हैं, a कितना एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब एक होता है, यहां पर एक लिखेंगे बी मसावी जो x के साथ जरी में दो जजर में 3, यहां पर b की कीमत है और c की कीमत कितनी यहां पर यहां जमा के 3 है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्लो चार्ट के हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए बी हमारे पास क्या है दो जजर में 3 हॉस की दूसरी क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है मनफी 4 जर ए कितना हमारे पास 1 है और सी कितना हमारे पास 3 है। अब देखिए यहां पर इसको स्क्वायर कैसे करना है, बाहर का स्क्वायर बाहर करेंगे इसको अंदर का अंदर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये जजर में 3 का स्क्वायर क्या होता है जजर में 9 होता है, इसको और एक स्टेप बढ़ाएंगे हम, ये आ गया इस तरह से, ये आ गया मनफी 4 × 4 = 12 इस तरह से आ गया। अब देखिए ये 4 जर जजर में 9 मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है ये 3 होता है, ये मनफी ये 12 4 × 12 ये 12 मनफी 12 हो गया, 12 में से 12 गए सिफर, यानी कि बी की दूसरी मनफी 4AC का जो आंसर है वो कितना आया वो आया सिफर। अब इसके बाद क्या करना है आपको फॉर्मूला लिखना है फ्लो चार्ट के हिसाब से, तो एक्स मसावी मनफी बी जमा मनफी जजर में बी की दूसरी मनफी 4AC बटे 2A। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है रखना है, तो एक्स मसावी है बी क्या है आपके पास दो जजर में 3 तो मनफी 2 जजर में 3 जमा मनफी जजर में देखो बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू कितना कितनी है वो सिफर है बटे 2 जर ए कितना हमारे पास 1 ही है, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं एक्स मसावी ये मनफी 2 जजर में 3
जमा मर्जी। देखो जीरो जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा, जीरो ही होगा, कुछ वैल्यू है क्या, यहाँ पर जीरो आ जाएगा बटे दो एक का दो। इसका मतलब एक्स मसा कितना आ गया, ये मनफी दो जजर में तीन बटे दो, इस तरह से आपका आंसर आता है। इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए ये दो और ये दो कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स मसावी मनफी जजर में तीन। अब दो रूट लिखते हैं हमेशा, इसलिए हम एक्स मसावी मनफी जजर में तीन या एक्स मसावी मनफी जजर में तीन, इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। इतना आसान था, जजर में आए या फिर बटे में आए तो घबराना नहीं है, बहुत सिंपल मेथड होते हैं, जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किए उसी तरह से करना है। थोड़ा समझना है क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चंस आपके लिए आसान होते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट भी खत्म होती है, तो अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए इस एक्सरसाइज पर, जो कि इस तरह से है, दो एक्स की दूसरी मनफी एक्स मनफी चार मसावी सी पर, सात एक्स जमा एक मसावी छह एक्स की दूसरी जमा एक्स मनफी एक, यानी पूरे इस एक्स मनफी एक के डिवाइड में थ्री है मसावी सी पर, सेवन एम स्क्वायर माइनस फाइव एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये चार क्वेश्चन आपको करना है, जिस तरह से अभी हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और सॉल्व किया उसी तरह से आपको करना है। प्रैक्टिस कीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। जब आपको आंसर्स मिल जाए तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसी तरह से ये तालीम चैनल के वीडियोस को देखते रहिए, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।